हाय गाइस, तो यार अभी 5:50 यानी कि सुबह के 5:50 हो रहा है एंड ये वो टाइम है जब हमको बहुत ज़्यादा नींद आती है एंड बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं करता है। स्पेशली इस समय अभी बहुत ठंड है, देख रहे हो मैं जैकेट वगैरह पहना हुआ है ना। तो लेकिन यार ये जो टाइम है ना, स्पेशली ठंड में, गर्मियों में तो काफ़ी लोग उठ जाते हैं, इस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जब भी आप बाहर आते हो तो पूरा पार्क भरा होता है, देखो अभी पार्क में कोई नहीं है, है ना। तो खैर पार्क में तो नहीं जाना है मेरे को, क्योंकि मैं काफ़ी दौड़ा के ले आया हूँ इन बच्चों को, है ना, काफ़ी दौड़ चुके हैं मेरे बच्चे। हाँ बेटा बेटा, लेकिन बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बाबू, हाँ लो 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 लो, गो गो गो, हाँ जाओ जाओ, तीनों लड़ाई हो गई, आ जाओ। बस मैं, तू क्यों मारा बेटा उस बच्चे को? तो काफ़ी लोग मेरे से, हाँ काली काली, बस 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 बस, नीचे जाओ नीचे नीचे, मशीन नहीं नीचे जाओ नीचे नीचे नीचे, बस बस। तो हाँ पैंथो, बस तू ये यही चीज़ें तू अपनी बेटी को भी सिखा देता है, यही सब फिर वो भी करती है। भाई गिरा देगा क्या, मतलब गिरा दो तुम लोग कैमरा, हाँ तुम लोग ले जाओ, तुम लोग वीडियो बनाओ, मैं बाद में बना लूँगा, ठीक। अरे 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 अरे, अच्छा लो 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 लो, गो 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 गो। तो गाइस, काफ़ी लोग अभी भी मेरे से पूछते हैं कि भैया हम अपने डॉग को कैसे सिखाएं ऑफ लीश ट्रेनिंग। तो यार मैंने हज़ारों बार बताया है, पता नहीं आप में से कुछ लोग नए हैं तो उन्होंने शायद नहीं देखा हो, वरना मोस्टली सारे पुराने लोगों को पता है कि मैं बोलता हूँ, भाई जिस ट्रैक पे आप अपने डॉग को लेके जाते हो, कल ही ले यार, ले ले ले, उसी ट्रैक पे लेके जाओ एंड जब वापस आओ तो जब दो तीन घर बचे ना, दो तीन घर या एक घर से स्टार्ट करो, जब एक घर बचे तब अपने डॉग की लीश जो है ना, लीश को ऐसे ही छोड़ दो, निकालो मत गले से, ऐसे ही छोड़ दो। फिर देखो आपका डॉग आपके पास एक घर से बगल में अपने घर में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उतने डिस्टेंस में अगर आपका डॉग कहीं और भागे तो आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एंड अगर वो ऐसा करता है तो धीरे 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 उसकी ये हैबिट बना दो कि एक घर पहले आके आप लीश छोड़ दोगे ज़मीन पर, उसको लीश लेके ही आना है। एंड फिर थोड़े दिन बाद, जब थोड़े दिन हो जाए, वो इस चीज़ से यूज टू हो जाए, तब जब दो दो घर बचे ना, तब ऐसा करिए आप, ठीक है। उससे क्या होगा कि अब वो दो घर से आने लगेगा, फिर तीन घर से, ऐसा करके देखो जब ये थोड़ा, और लीश हमेशा लगी रहने दो ताकि अगर वो भागे आगे तो आप लीश पे पैर रख के उसको रोक सको, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाएगी, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने डॉग पर, हाँ ले बच्चा लो 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 लो, गो गो, ठीक है, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो मेरा जो बच्चा है ये तीन घर से चार घर से छूट के मेरे पास आ जाता है। एंड ऐसे ही कर करके धीरे धीरे, इधर आ जाओ बच्चो, इधर आ जाओ, जल्दी इधर आओ, गुड बॉय गुड गर्ल, पैंथो इधर, गुड गर्ल गुड गर्ल, बस 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 बस। एक्चुअली क्या, साइकिल आ रही थी तो मुझे सारे बच्चों को साइड करना पड़ा, ठीक है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है एंड कहीं दूर वूर नहीं जाता, ठीक है। तो इसके बाद आप फिर उन्हें ऑफ लीश भी छोड़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक घर दो घर करके ऑफ लीश छोड़ो लौटते वाले टाइम, ठीक है। एंड इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, हाँ बच्चा ले ले, ठीक है। तो ये सब तो आप कर ही लोगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसमें टाइम लगता है गाइस, बॉन्ड जो बनता है ना डॉग के साथ आपका, उसमें टाइम लगता है। एक दिन में एक घर छोड़ के दूसरे दिन चार घर में छोड़ देना, ये लंबा प्रोसेस है महीनों का, ठीक है। हाँ बच्चे ले 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 ले, ले गो 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 गो, ये देखो टाइगर खेलेगा नहीं लेकिन लड़ाई जरूर करेगा, हाँ लो 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 लो, लो गो गो गो। अब टाइगर का इंटेंशन यहाँ पे केवल केवल इस चीज को खराब करना है, इन लोग का जो गेम चल रहा है पैंथर उसका, पैंथो तेरे मुंह में पत्थर पक्का होगा, छोड़ छोड़ हट हट वहां से, देख रहे हो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आएगा, मैं बिल्कुल स्टोन यूज नहीं करता, खाली हट, मैं उठाने जा रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर चढ़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बस 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 बस, गो 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 गो। तो गाइस कहाँ था मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना इस चीज़ में, जो आपके हर चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, वो ये है कि आपका जो टाइम है वो आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। क्योंकि अब ये देखो, ये सामने से इधर से बाइक आ रही है तो मेरे डॉग्स खुले हुए हैं, तो आपका इतना वो होना चाहिए कि आप बस इधर आ गए, आपने इशारा किया एंड आप देखो सारे डॉग्स इस तरफ आ गए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हर बार बोलते में मैं ऐसे इशारा करता हूँ कि इधर आ जाओ, तो इस बार मैंने बोला भी नहीं, बस इशारा किया और वो आ गए। और देखो बाइक गई, अब हम लोग वापस फिर से रोड पे, पूरा सन्नाटा है, ठीक है, बड़े आराम से हम खेल सकते हैं, लो 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 लो, गो गो, ठीक है आ जाओ गूगल। अब पैंथर से ही पत्थर मांगना पड़ेगा यार, क्योंकि अपने पास तो है नहीं, है ना, लो लो लो, पहले पैंथर के पास, पैंथर छोड़ 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 हट हट हट,
अरे हटो यार, तब तो सुनना, रुक जाओ, उल्टे हाथ से देखना पड़ता है यार। ये देखो टाइगर को मारा अभी पेंथो ने, ये बहुत परेशान करता है सबको। आई नो आपको बहुत दुख हो रहा होगा कि यार मार दिया, लेकिन सही है गाइस, सही है यार, ये चीज़ होनी चाहिए। ये बहुत परेशान करता है, अभी ये नौटंकी कर रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ पता है। टाइगर आ जा बेटा, हाँ चलो आ जा, हाँ मार खा गए थे तुम पेंथो से, तो तुम क्यों लड़ते हो, क्यों जाते हो बार बार? अभी तुम छोटे बच्चे हो ना, तुमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बड़ा आदमी है। तुमने मेरे को देखा, मैं घर में किसी बड़े से लड़ता हूँ, और तुम क्यों उनका खेल डिस्टर्ब कर रहे हो? हट जाओ बच्चों, बच्चा लग गई थी बेटा, बेटा क्यों बदमाशी करता है, है? कल ही हट जा बेटा, अभी उसकी लग गई है। हाँ बच्चा, गुड बॉय, चलो सही है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गई सबसे, अरे यार रुक जा भाई, कुछ बता लेने दे मेरे को, क्यों परेशान कर रही है। तो गई जैसा कि मैं बोल रहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना इस चीज़ में, आपका ये ऑफ लीश दिखाने में, बस अब शांत, काली चुप। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है गाइस, वो है टाइम। आप देख रहे हो मैं इस इतने बजे क्यों आया हूँ, मैं कोई पागल थोड़ा ना हूँ, मैं इतने बजे इसीलिए आया हूँ ताकि रोड पे कोई मिले ना, एंड अभी भी देखो इतने सारे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे कि आप, मैंने आपको बताया था कि हम इधर खड़े हो जाएंगे एंड ऐसे बस फिंगर करेंगे तो सारे डॉग्स अपने पास आ जाएंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको यार ऐसा टाइम तो चूज़ करना ही पड़ेगा कि जब कोई भी ना हो, ठीक है। अब जैसे इस टाइम सड़क पे कोई नहीं है तो मैं बहुत ही फ्रीली आराम से इनको सिखा सकता हूँ, वरना आधे लोग मेरे डॉग से डरेंगे, आधे व्हीकल से मेरे डॉग्स डरेंगे, ठीक है, एंड कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। इतने डॉग्स को कैसे सिखा पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा, एंड सोचो मैं इनको खेल खेल में ही ऑफ लीश सीख गए लोग, ठीक है, आराम से घर से पेंथो के पीछे पीछे निकलना सीखे, पेंथो के साथ साथ घर जाना सीखे, हाँ ले 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 गो, पत्थर के पीछे भागना सीखे, सब कुछ सीख गए खेल खेल में, ठीक है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिक्कत के। अब ये देख रहे हो खेलने नहीं गए भाई साहब, लेकिन अभी भी उसको पकड़ रहे हैं, काली को, इधर आ क्या कर रही है तू, ये सब क्या करती है बेटा, बदमाशी जरूर करोगे, है ना। तो अरे काली रुक जा बेटा, हट जा, नो शैतानी नहीं, नो लो 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 लो, लो। तो गाइस इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, स्पेशली काली ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। काली मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पेंथो से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, है ना, पेंथो की बेटी है लेकिन पेंथो से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो गाइस कुल मिला के तात्पर्य ये है यहाँ पे, हाँ तू कुछ समझाने ही मत दे, अपने में ही लगी रहे, गो चुकी की ले गो। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पे तात्पर्य जो है वो बस ये है कि भैया अगर आपको ऑफ लीश सिखाना है तो अपने डॉग को ऐसे टाइम पे सिखाने की कोशिश कीजिए जब रोड पे कोई ना हो, ठीक है, अगर आपको रोड पे सिखाना है तो, वरना अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट घर का एक्सपीरियंस और रोड का एक्सपीरियंस एकदम ही अलग होता है, एकदम ही अलग। भैया मैं इसको घर ले जाता हूँ, वरना ये ऐसे ही पूँ 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 करती रहेगी कि और फेंको और फेंको और फेंको, और हमारे पास है नहीं, पर तू छोड़ पता, छोड़ हट 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 जा, लो 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 लो, ये देखो अब उसी को मारे दे रहे, भाई मत मारे यार, क्यों मार रहा है, अभी देखना मैं फेंकूंगा ना, गो। ये देखो पैंथर अपना पत्थर छोड़ के गया था ना, सबसे पहले आके अपना पत्थर लेगा, ये देखो अब जाएगा देखो आपने कितना शैतान है ये, हाँ क्या, हाँ चलो 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 घर चले, घर चलने हैं, ये देख रहो इसने भी कैमरा वाइड किया पता है आपको, देखा आपको, तो भाई हद है यार ये, चलो चलो पागल है, अब भाई क्या कर रही है काली, पागल है क्या, आज चलो चल भाई चल 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 टाके, चलो बेटा आगे चलो बच्चे, हाँ मार खा गई यार, इसने पक्का सलाइवा वगैरह को लगा दिया है कैमरे पे, कैमरे का पूरा विजन चला गया, रुको एक सेकंड भाई, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हाँ वरना बहुत ही ब्लरी हो गया था। टाके घर चले बेटा, घर चले बच्चे, घर चले, तुम लोग बहुत गंदे संदे भी हो गए हो, अरे चल, हाँ चलो घर चले, घर चलो चलो चलो। अबे क्या कर रही है काली, ये ऐसे बदतमीजी नहीं करते बेटा, वीडियो बनाना भी तो जरूरी है, चलो चलो कुछ नहीं, हप बदतमीजी नहीं, अभी मारेगा वो तेरे को पकड़ के, चल चल चलो चलो घर चलो घर चलो घर चलो चलो घर चलो चलो काली हटो, हप काली नो, देख रहे कितनी बदतमीज हो गई है यार, इतना एक्टिव मतलब हद हो गई, बार बार कैमरे को स्ट्राइक कर रही है, चलो चलो घर चलो घर चलो चलो। एक्चुअली ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई ना काली की, तो काली को कैमरे की इतनी आदत नहीं पड़ी यार,
बीच में तो सारा ध्यान टाइगर भाई साहब ही ले गए थे, क्योंकि इनके पैर टेढ़े थे, तो इन पर भाई साहब तो बहुत मेहनत करनी थी। एंड आपने देखा ही था, ये ग्रोथ बिल्कुल थी नहीं इनकी, तो इन पर बहुत मेहनत करनी थी, तो सारा ध्यान यही ले गया। तो ये भाई साहब तो कैमरा से एकदम यूज्ड हुए, इनको तो पता है कि पापा कुछ करते हैं, पता नहीं क्या है वो, लेकिन कुछ करते हैं। ठीक है, काली को कुछ आइडिया ही नहीं है, काली ऊपर से पैंथर का ब्लड कैरी कर रही है, पैंथर पागल की तरह एक्टिव, तो काली भी पागल की तरह एक्टिव। अभी देखें कितनी खूबसूरत लगेगी यार, दूर से इतनी अच्छी लगती है ना, एकदम भेड़िया, देख रहे हो, एकदम भेड़िया। चलो बच्चों, चलो चलो। तो गाइस बहुत देर हो गई है ना, आई होप मैं आपको कुछ बता पाया हूँ, मुझे नहीं पता मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा कि नहीं, क्योंकि यार ये बहुत डिस्टर्ब करती है कसम से, लेकिन आई एम सॉरी अगर नहीं बता पाया, और वीडियोस बना लूँगा मैं इस पर, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो अभी देखी, इतनी रात में अगर देख रहे हो स्पेशली, तो बहुत 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 शुक्रिया दोस्त, तुम लेजेंड हो यार। ठीक है, एंड आई लव यू, बाय, गुड मॉर्निंग कहूँगा क्योंकि 6 से ऊपर हो गया होगा, तो गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।